स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो आप लोगों का बहुत सारा डाउट आता था कि आपका जो रूटीन क्या रहता था, जो आप तैयारी कर रहे थे उसके दौरान, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारा क्या रूटीन रहता था और उससे आपको आइडिया लग जाएगा। आप ऑलरेडी कोई रूटीन को फॉलो कर रखते होंगे या फिर किसी तरह तो पढ़ाई करते ही होंगे कि दिन से रात तक कैसे करके पढ़ाई करना है और मतलब अपने हिसाब से करते होंगे, ठीक है। लेकिन हम आज इस वीडियो में हम अपने बारे में शेयर करेंगे कि ये जो पिछला दो महीने मंथ था जो हम जिसमें हम तैयारी किए उसमें मेरा क्या रूटीन रहता था और उससे पहले भी जो हम तैयारी किए थे तो उसमें हमारा क्या रूटीन रहता था सुबह से शाम तक और क्या कैसे करके हम पढ़ाई करते थे उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। ये हम नहीं कह रहे कि ये परफेक्ट है या कैसा है, नहीं है, एक आइडिया आपको लग जाएगा कि कैसे करके किया जा सकता है या आप कैसे कर रहे हैं उसमें किस तरह से बदलाव किया जा सकता है या क्या सही है नहीं है वो आपका आइडिया लग जाएगा। तो इसलिए हम इसको बता रहे हैं क्योंकि आप लोगों में से बहुत तरह का ये डाउट था। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ठीक है। हम थोड़ा बोलने में इधर उधर हो जाएगा तो आपको मतलब थोड़ा मैनेज कीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले था कि जब हम मॉर्निंग में उठते हैं, मॉर्निंग में हम मेरा अपना बता रहे हैं कि सुबह में हम मतलब 4 बजे होता है ना कि स्टूडेंट सब 3 बजे उठ के पढ़ाई करता है, 4 बजे उठ के पढ़ाई करता है, तो ये मेरा कभी नहीं था, शुरू से लेकर कभी नहीं, ठीक है। तो हम लगभग 5 बजे सोचते थे कि 5 बजे उठना है, लेकिन हम 5:30-6 बजे के आसपास उठते थे, ठीक है। 6 बजे उठने के बाद मतलब हमारा क्या था कि जनरली उठने के बाद हमारा मतलब वो होता है ना कि फ्रेश होते हैं, तो ये फ्रेश होने का मतलब नहीं था। मतलब ये अगर हमको हाई प्रेशर नहीं है तभी तो हम फ्रेश नहीं होते थे। हम अपना बता रहे हैं, रियल बताएंगे, ठीक है। कोई फेक नहीं रहेगा, कोई मिलावट नहीं रहेगा, कोई स्क्रिप्ट नहीं रहेगा, रियल बता रहे हैं जो मेरा है, ठीक है। आपको अच्छा लगे ठीक है, नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं, तो खाली सुन लीजिए एक बार बस। तो एक बार ये क्या है कि हम सुबह में उठते थे और हम मतलब अगर कोई देखेगा और हम कोई मतलब हमारे घर वाले देखेंगे तो उन लोगों को पता है हाँ ऐसा ही था, ठीक है। तो हम सुबह में उठते थे और सुबह में कोई फ्रेश व्रेश नहीं, कुछ नहीं, सीधा बेड पे हैं, ठीक है। बेड से मतलब बेड पर ऐसे करके जैसे ऐसे सोए हैं, ठीक है। सो के ऐसे उठे और माइंड में ये चल रहा है मतलब कि अभी क्या पढ़ना है, ठीक है। मतलब अभी मैथ पढ़े या रीजनिंग पढ़े या क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा चैप्टर, किस कैसे करके पढ़ना है, मतलब कि वीडियो देखना है या फिर जो कॉपी बनाया है, नोटबुक बनाया है उसको रिवीजन करना है या फिर मतलब सब कुछ उस माइंड में सोच लिए बेड पर ही। बेड पर उतरने के बाद सीधा कॉपी लिए और हम जनरली सुबह में छत पे पढ़ते थे तो मौसम अगर ठीक रहता था तो कॉपी लिए और बुक लिए, पेन लिए, पानी लिए और सीधे छत पे चले गए। पढ़ाई करते 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 मतलब पढ़ाई कर रहे हैं अपना, 7:30 बज गया, मतलब 6 बजे लगभग ये ऐसा होता था, 7:30 बज गया, 8 बज गया लगभग। इसके बाद जब थोड़ा सा भूख लगता था और ये सारी चीज़ें तो जाके फ्रेश होते थे फिर, ठीक है। फ्रेश होते थे और फ्रेश होने के बाद ब्रश कर लेते थे, ठीक है। कुछ खाना रहे तो खा लेते थे। इस टाइम में भी हम कुछ कुछ करते रहते थे, जैसे ब्रश कर रहे हैं, मतलब मैं अपना बता रहा हूँ, ब्रश कर रहे हैं या फिर कुछ नाश्ता कर रहे हैं। तो नाश्ता करने में तो जनरली कुछ सुबह में खाइएगा हल्का सा तो उसमें कुछ मतलब टाइम लगता है, 15-20 मिनट तो लगेगा ही, ठीक है। तो उसमें भी हमारा जो मोबाइल है उसमें कोई वीडियो चलता रहता था, चाहे करेंट अफेयर्स का जनरली वीडियो हमारा चलता रहता था और उसको मतलब देखते हैं, सुनते हैं और अपना ब्रश भी कर रहे हैं, नाश्ता भी हो गया, तो ये सिलसिला चलता रहता था। और तब उस तब तक टाइम हो जाता था 8:30-9, ठीक है, 8:30 के करीब हो जाता था जनरली। तो 8:30 बजे फिर आके बैठते थे और उसके बाद मैथ पढ़ाई करते थे, जहाँ पर भी हमको सुविधा होता था, कभी छत पे पढ़ते थे तो कभी रूम में दरवाजा पे जो हम बाल अति रहता है ना बरामदा, वहाँ पे पढ़ते थे। हम अपना घर तो दिखाए वहाँ पे बरामदा होते हुए सुबह से फिर स्टार्ट हो जाता था हमारा। और फिर लगभग 10:30-11 बजे के आसपास जो है सो भूख लग जाता था, फिर खाना खाते थे, खाना भी बन जाता था, खाना खाते थे, इतना देर में मैथ को कंप्लीट कर लेते थे, ठीक है। मतलब मैथ को जनरली अगर कभी वीडियोस देखना रहे, मतलब हम वीडियो जनरली देखते थे और उसका नोटबुक बनाते थे ताकि उसको फिर से रिवाइज कर सके, क्योंकि हमारा जो है सो इतना दिन से
नहीं पढ़े थे तो एकदम छूट सा गया था, ठीक है। कोई भी कंसेप्ट जो है सो बन जाता था सारा क्वेश्चन, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन, सारा नहीं मतलब बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता था, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता था, इसीलिए उसको हम देखते थे और इसको नोटबुक पे मतलब नोट करते थे क्वेश्चन सहित। क्योंकि जैसे कोई चैप्टर है चैप्टर वाइज हम पढ़ते थे, ठीक है, जैसे कोई चैप्टर है उसको चैप्टर को पूरे पढ़ लिए, इसके बाद दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, ऐसे करके सारा बहुत सारा चैप्टर मैथ हम पूरा कवर किए थे ये लास्ट टाइम में, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद क्या होता था, खाना खाने के बाद थोड़ा नींद सा आता है, ठीक है, उस टाइम पे हम जनरली वीडियोस देखते थे। और उसका जैसे साइंस का है, साइंस का हम कोई बुक नहीं पढ़े थे, क्योंकि हम मतलब रिसेंट खरीदे हैं, लेकिन मतलब उतना अच्छे से हम पूरा नहीं कभी पढ़ पाए, इतना मतलब अच्छे से हम बुक नहीं पढ़ पाए थे। और बहुत सारा चूंकि साइंस का इसमें मतलब ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आता है, इसलिए हम साइंस को ज़्यादा देखते भी नहीं थे, कॉपी हम पहले से बनाए हुए थे उसी को रिवीजन कर लेते थे बस। और जो जैसे स्टैटिक का जो पोर्शन था, हिस्ट्री हो या मतलब ज्योग्राफी हो, इसका हम जो है सो लेक्चर सुनते थे सोते सोते, मतलब जनरली सोते सोते या फिर बैठ कर भी मतलब देख सकते हैं आप, आपको जैसे कंफर्टेबल हो वैसे। तो हम लगभग 10 से लेकर 12 बजे तक मानिए कि हम लेक्चर देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं स्टैटिक का, ठीक है। फिर 12 बजे से 2 बजे तक हमारा ये था कि इसमें हम फ्री हैं, इसमें हमको सोना है, हम सोते थे इसमें पूरा दिल खोल के सोते थे, ठीक है। 2 बजे तक सो के उठ गए, फिर इसके बाद फिर पढ़ाई जारी रहता था, 2 से 4 कुछ और पढ़ लिए, फिर 4 से कुछ खाना रहे तो खा लिए बीच में, और फिर 4 से 6 पढ़ लेते थे। वो जो भी इसके बाद हम 2 से 4 में हमको लिखना पसंद था, तो उसमें हम लिखते थे, जैसे कोई लेक्चर देखे उसमें कोई स्क्रीनशॉट लिए, ठीक है, क्वेश्चन सब जो मतलब है उसको स्क्रीनशॉट लेके उसको कॉपी भी बनाते थे, ताकि उसको फिर से रिवीजन कर सके। और फिर इसके बाद था कि 4 6 बज गया, 6 बजे के बाद हम घूमने के लिए निकलते थे। 1 घंटा हम सोचते थे 1 घंटा हमको पढ़ना नहीं है, 1 घंटा हम पूरे फ्री हैं, और उसमें हम जनरली घूमने के लिए निकल जाते थे। और 7 बजे तक आते थे, 7 सवा 7 में फिर बैठते थे। इसके बाद 9 साढ़े 9 10 बजे तक, लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक पढ़ते थे, फिर आके खाना खाते थे। 10 बजे से फिर जैसे खाना खा लिए, खाना खाने टाइम में हमारा जो राज्यसभा टीवी है वो चलता था, उसमें न्यूज़ जो है वो मतलब पढ़ाई से रिलेटेड न्यूज़ जो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, वो ऐसा क्वेश्चन आता है। जैसे अभी तो उसका नाम संसद टीवी हो गया, तो वहाँ पे 8 बजे एक समाचार देता था डेली न्यूज़ में, ठीक है, आज की खबर करके उसका रहता था, और वो हम देखते थे खाना खाते टाइम में। और वो आधा घंटा का लगभग रहता था, 25 मिनट के आसपास, तो वो देख लेते थे। इसके बाद देखने के बाद हम बेड पर चले जाते थे, और इसके बाद जो मतलब भर दिन क्या हुआ उसको रिकॉल किया, ठीक है। इसके बाद फिर क्या बोलते हैं, मोबाइल सब चलाए, उसमें भी मतलब कुछ डाटा आता है जैसे ग्रुप सब में, ये सब देखते थे। और फिर ऐसे करके अगर कुछ आइडिया आया कि चलो ये देख लेते हैं, कोई लेक्चर छूट गया रहेगा वो देख लेते हैं, ऐसे करके देख के सो जाते थे। फिर मॉर्निंग में यही रूटीन हमारे चलता था सुबह से शाम तक। तो ये था कि मतलब एक्चुअली इतना हम कर कैसे पाते थे, इतना हमारे करने का एक ही मकसद था कि कुछ ही दिन तो पढ़ाई करना है, ऐसे करके सोचते थे कि कुछ दिन पढ़ाई करना है, इसके बाद तो फिर जो मन है वो, क्योंकि पढ़ाई में इंटरेस्ट मेरा भी नहीं है और मैक्सिमम आदमी का नहीं रहता है, ठीक है। तो लेकिन इसलिए पढ़ते थे क्योंकि अभी कुछ दिन का एग्जाम है वो दे देते हैं, इसके बाद निश्चिंत रह जाएंगे, इसका पढ़ाई पढ़ाई मतलब एक तरह से मतलब मन करेगा तो करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, ऐसा करके सोचते थे। उसी तरह आप लोगों को भी सोचना है, आप लोगों को सोचना है कि अभी तो एग्जाम 45 दिन के बाद है, ठीक है, तो आपको ये सोचना है कि अभी 45 दिन ही हमको पढ़ना है, अगर हम 45 दिन अच्छे से नहीं पढ़े तो आने वाला पता नहीं हम कितना साल का दूसरा एग्जाम देंगे, ठीक है। अगर आपको कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो आप ये सोचिएगा कि आप पता नहीं 4 5 साल के बाद अगर ग्रुप डी लेगा नहीं लेगा, कब लेगा नहीं लेगा, फिर दूसरा कौन सा एग्जाम देंगे। तो इस तरह से सोचना पड़ेगा कि अभी जो आया हुआ है तो वही हमारा वैकेंसी है, और इसमें अगर हम हो जाते हैं तो हमारा लाइफ सेट है, इसका जो मन होगा जिंदगी में करने का करेंगे सुमित भाई की तरह, ठीक है। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं और अपने लाइफ को जी सकते हैं, इस तरह से तैयारी कीजिए। तैयारी मतलब अच्छा टाइम आप तभी दे सकते हैं कि तभी देख सकते हैं जब तक आपको माइंड में ये क्लियर रहेगा कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं,
ठीक है, जब तक ये सोच लीजिएगा चलो कुछ ही दिन के बात है, तो अपना जी जान लगा के पढ़िएगा। हम अपना बता रहे हैं, खाते पीते मतलब हम पूरे पढ़ते थे नहीं, मतलब पढ़ना क्या है ये कभी अपने आप को मत बोलिए कि हम पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करना बिल्कुल मत बोलिए कभी भी जिंदगी में। एक ये आप सोच लीजिए कि आपको कभी भी ये नहीं बोलना है कि हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं। कोई आपको फोन कर रहा है, हाँ हेलो क्या कर रहा है भाई? काम कर रहे हैं। काम कौन सा काम यार? मतलब कोई काम कर रहे हैं, अपना काम जो हमारा काम है वो कर रहे हैं। पढ़ाई नाम आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए, और किसी को बोलने भी मत दीजिए कि जो है तुम पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा करके नहीं बोलना है। माइंड खराब हो जाता है, ऐसा लगता है कि हम जैसे कितना भारी काम कर रहे हैं, ऐसा मन नहीं होना चाहिए। हम अगर कोई हमारे सामने में अगर बोल देगा तुम पढ़ाई कर रहा है मतलब मेरे लिए, तो हम इसको बहुत डांटते थे कि ये मत बोलो कि हम पढ़ाई करते हैं, हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ाई करना आपको सोचना भी नहीं है, बस ये सोचना सोचिए कि अभी वीडियो देख रहे हैं। अगर आप लेक्चर सुन रहे हैं तो आप सोचिए कि एक वीडियो देख रहे हैं, बस इतना सा आपको सोचना है, इस तरह से सोचना है। और बहुत लंबा वीडियो बन रहा है तो बस मतलब तैयारी कीजिए और अपना जी जान लगा दीजिए। ठीक है, ये सोचिए कि लाइफ में अभी जो कर रहे हैं वो हमको पसंद नहीं है, लेकिन अगर हमारा एग्जाम निकल जाता, बस एग्जाम तक, एग्जाम देने तक, अगर एग्जाम निकल जाता है, जॉब लग जाता है, इसके बाद हमको जो मन होगा वो करेंगे, हमारा लाइफ सेट है, और इसके बाद अपने मन का करेंगे, कोई मतलब हमारे पर बोझ नहीं रहेगा, क्योंकि फाइनेंशियली हम फ्री रहेंगे, और इसके बाद हमको जिसमें इंटरेस्ट होगा वो करेंगे। और यही सोच के आप तैयारी कीजिए तो अच्छे से पूरा टाइम दे पाइएगा, नहीं तो ये सोचिएगा कि अभी बहुत साल पढ़ना है और इस तरह से चलता रहेगा तो चलता ही रहेगा और कुछ नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।